गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रीमा गुप्ता। दिस इज़ योर हिंदी ग्रामर क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने भाषा पढ़ लिया, व्याकरण पढ़ लिया, और सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने वर्ण विचार पढ़ा। अब हमारा हम आते हैं थर्ड चैप्टर पे, जो है हमारा संधि, जॉइनिंग ऑफ लेटर्स। ओके, संधि। संधि क्या होती है? संधि होती है दो शब्दों का मेल को भी संधि कहते हैं, और दो शब्दों, एक शब्द के दो टुकड़े करके उसे दो भागों में समझने, उसे भी संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। उच्चारण के समय कभी कभी ध्वनियाँ इतनी निकट आ जाती हैं कि वे अलग अलग सुनाई नहीं देती, बल्कि एक ध्वनि के रूप में सुनाई देती है। ठीक है, जैसे दिन और इश को जब हम अलग अलग उच्चारित न करने पे एक साथ बोलते हैं तो क्या हो जाता है? दिनेश, दिनेश। और इसका हम संधि करेंगे, मतलब इसको दो भागों में दिनेश को जब बांटेंगे तो क्या लिखेंगे? दिन और ईश, दिनेश। जैसा उच्चारण सुनाई देता है, उच्चारण क्या होता है, क्या है हमारा? है दिनेश, लेकिन ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वर्णों के इस मेल को ही संधि कहते हैं, दो शब्दों के मेल को ही संधि कहते हैं। यह मेल बिना बाधा के होता है, इसमें कुछ परिवर्तन भी आ जाता है। यह परिवर्तन पहली बार ध्वनि में भी हो सकता है, दूसरा या दोनों भी हो सकता है। निम्नलिखित उदाहरणों से यहाँ स्पष्ट कहा गया, जैसे राम प्लस अवतार, रामावतार। राम का अ और अ मिलकर क्या हो गया? आ। राम में अ, म अ अ मिलके रामा, आ रामा अवतार। सप्त ऋषि, ठीक, सप्त ऋषि, सप्त यानी अ और री मिलकर क्या हो गया? अ और री मिलकर क्या हो गया? अर, मतलब ऊपर वाली र, सप्त ऋषि। पर धन उपकार, पर धन उपकार, अ और उ मिलकर क्या हो गए? ओ। अ और उ मिले तो क्या हुआ? ओ, तो क्या हो गया? ये परोपकार, पर उपधन उपकार यानी परोपकार। निहमल, निहमल, निह यानी कि ये, इसको क्या कहते हैं? विसर्ग, विसर्ग और म मिलकर क्या हो गए? ऊपर वाली बिंदी हो जाती है, ठीक, तो क्या हो गया? निर्मल, ऊपर वाला जो र होता है, सॉरी बिंदी नहीं, र जो होता है वो हो जाता है, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं कि दो वर्णों के आसपास होने के कारण आपसी मेल में जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। आइए संधि के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। संधि, संधि विच्छेद, ये क्या है? संधि है और ये संधि विच्छेद है। गिरीश क्या है? संधि है और इसका विच्छेद, संधि विच्छेद क्या हो गया? गिरिधन ईश, ठीक, छोटी ई बड़ा ई मिलकर बड़ी ई हो गई, गिरीश। मना धन योग, मनोयोग्य, ठीक, विसर्ग और य मिलकर क्या हो गया? ओ, मनोयोग। मतैक्य, मत धन एक्य, मतैक्य, ये क्या हो गया? मतैक्य। उच्छ्वास, उत धन श्वास। संधि के भेद बताइए। अब हम आते हैं, देखते हैं, हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि संधि क्या होती है, यानी संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब संधि के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? पहला संधि, इसमें के तीन होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए हम देखते हैं इन तीनों के अंतर्गत क्या क्या है। स्वर संधि, स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है, ठीक, कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। पहली है दीर्घ संधि। जब हम ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ स्वर हम पढ़े थे ना, दीर्घ अ आ ई उ होते हैं, के बाद दीर्घ स्वर अ आ ई उ वही आए तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। मतलब कि दीर्घ शब्दों के बाद भी दीर्घ शब्द आए तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कृष्ण अवतार, कृष्ण में अ है प्लस अ है तो क्या हो गया? आ। धर्म,
ठीक अ है और आ है तो धर्मात्मा, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी, आ है और अ है विद्यार्थी, दयानंद दयाधन आनंद, कवींद्र कवि छोटी ई और मिलकर क्या हो गई बड़ी ई, मुनीश्वर छोटी ई बड़ी ई मिलकर क्या हो गई बड़ी ई, छोटी ई मिलकर क्या होती है बड़ी ई, और छोटी ई बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई ही होती है। मतलब कि कोई भी ई आपस में मिले वो मिलकर क्या होती है वो बड़ी ई ही बन जाती है। जैसे नारी धन इच्छा, बड़ी ई प्लस छोटी ई भी बड़ी ई होती है नारीच्छा। गुरु उपदेश, गुरु उपदेश, गुरु ऊ छोटा ऊ और बड़ा ऊ गुरु उपदेश। लघु उत्तर, लघुत्तर। अब हम दीर्घ संधि हम लोगों ने समझ लिया, अब आते हैं गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि में अ आ के बाद ई ई आने पर ए ऊ के आने पर ओ तथा री आने पर अर हो जाता है। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे देव धन इंद्र, देव अ और ई आग मिलकर क्या हो गए ए, अ और ई मिलकर क्या बनते हैं ए, तो क्या हो गया देवेंद्र, ये उसका संधि हो गया। रमा धन ईस, आ और बड़ी ई मिलकर क्या हो गया ए, तो रमेश। लोक उत्ति, लोकोत्ति, अ और ऊ मिलकर क्या हो गया ओ। इसी तरह हम वृद्धि संधि को भी देख लेते हैं। वृद्धि संधि अ आ के मेल को ए ऐ होने पर तथा ओ औ के होने पर औ हो जाता है। कुछ उदाहरण देखिए, एक एक प्लस एक एक, मत तैक मत तैक, सदा धन यो सदैव। ठीक, अब हम आते हैं यण संधि पे। यण संधि, यण संधि हमारी क्या होती है, वह संधि जिसमें ई छोटी ई बड़ी ई ऊ ऊन वाला ऊ ऋषि वाला री के बाद कोई स्वर आए, स्वर यानी कोई भी स्वर आए ई ई ऊ या कोई भी व री को जगह र हो जाता है, केवल ऊ की जगह व हो जाता है और री की जगह र हो जाता है, यानी अति अंत अत्यंत, परिआवरण पर्यावरण परिआवरण, यानी ई और आ मिलकर क्या बन गया पर्यावरण। अति उत्तम अत्युक्त, छोटी ई और ऊ मिलकर अत्युक्तम। ठीक, अब हम आते हैं अयादि संधि पे। ए ऐ ओ औ के बाद भिन्न भिन्न स्वर आने पर ए की जगह अय हो जाता है, ए की जगह आय हो जाता है, और ओ की जगह औ हो जाता है, और औ के स्थान पर आव हो जाता है, यही अयादि संधि होती है। ठीक, जिसमें जैसे नयन गायक, ने धन अन नयन, गे धन अक गय धन अक गायक, नय धन अक यानी बड़ा यानी ए और अ मिलकर आय हो गया, तो नायक। जो ये हमारा हो गया स्वर संधि। स्वर संधि में तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, संधि क्या होती है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि विच्छेद कैसे कहते हैं, छंदी के भेद में हम लोगों ने स्वर संधि सिर्फ पढ़ा है अभी। ठीक, स्वर संधि में हम लोगों ने स्वर संधि के पाँचों प्रकार पढ़ लिए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। ओके।